अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर ट्वेल्व का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन को एग्जामिनेशन पॉइंट से देखा जाए तो इस चैप्टर में से एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मतलब इस चैप्टर में से आपको पेपर में एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। और ये वाला चैप्टर ना आपकी बुक में जो चंद एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मसलन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12 डिफ़िकल्ट चैप्टर में से माना जाता है। से तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो किसी भी एटम के साथ जुड़ सकता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं। सही है, वर्ड पर गौर करो, वर्ड है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है, एक वर्ड हाइड्रो और सेकंड वर्ड है कार्बन। कार्बन का मतलब तो कार्बन है, लेकिन हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है। क्या मतलब है? हाइड्रोजन मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो, या तो कार्बन हो या हाइड्रोजन हो। इसको हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये डेफिनेशन है सिंपल सी, ऐसे कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ जो मुश्तमिल होते हैं ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास कहला रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, इससे जो प्रीवियस चैप्टर है इसमें हम एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिस तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी के सारे एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोकार्बन की है। सही है, तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है मीथेन। क्या एग्जाम्पल है? मीथेन। और इस कंपाउंड का फार्मूला था CH4। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ईथेन, इसका फार्मूला था C2H6। प्रोपेन हमारे पास फार्मूला था C3H8। ब्यूटेन का फार्मूला का C4H10। तो ये हमारे पास चंद एक कंपाउंड के फार्मूले आ गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो मर्जी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल के बाद हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, क्लासेस की। बच्चे बॉन्डिंग की बेस पे, किस बेस पे? सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग की बेस पे हाइड्रोकार्बन को 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। कितनी क्लासेस में? 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। There are four classes of hydrocarbons on the basis of nature of bonding। बॉन्डिंग की बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन को 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। 4 क्लासेस के नाम लिखने लगा हूँ। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, उनको सिर्फ 3 क्लासेस का पता होता है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस दी गई हैं। वो कहते हैं 3 क्लासेस हैं, चौथी क्लास उसको पता भी नहीं होती, हालांकि आपके इंट्रोडक्शन में सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं। सही, तो 4 क्लासेस कौन सी हैं? एक है अल्केन, सेकेंड है हमारे पास अल्कीन, थर्ड है हमारे पास अल्काइन और चौथी क्लास है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चे आपके इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है अल्कीन को और अल्काइन को। इस चैप्टर में बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनके रिएक्शन, इनके सोर्सेज, इनके इस्तेमालात, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के। अच्छा ये बात आ गई,
अब अल्केन कौन से कंपाउंड होते हैं? बच्चे अल्केन याद रखिएगा, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कि कार्बन एटम के दरमियान हमेशा बॉन्ड होगा सिंगल, हैव डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, हैव ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा, सही है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद ना नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्लासेज और इसके बाद लास्ट वाली चीज हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज। बच्चा आपकी नॉर्मल जिंदगी में अगर कोई बंदा पूछ ले कि आपकी नॉर्मल जिंदगी में चंद एक हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल दे दो, तो बच्चे याद रखिएगा हमारी नॉर्मल जिंदगी में पेट्रोल, डीजल, मोबलैल, सीएनजी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोकार्बन की हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करो बच्चे, पेट्रोल चेक कर लो, सही है, तो मोस्टली हाइड्रोकार्बन पानी में नहीं होते, सही क्या आते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल, ये हल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो मैंने जितनी भी बातें गिनवाई हैं आपको, पेट्रोल, डीजल, मोबलैल, ये सारी की सारी चीज़ें जलाई जा सकती हैं, मतलब दे आर कंबस्टिबल, इनको जलाया जा सकता है, दे आर कंबस्टिबल, कंबस्टिबल का मतलब होता है जिसको जलाया जा सके, सही। इसके बाद बच्चे ये जितने भी हाइड्रोकार्बन, इनको हल, अगर इनके सोलबिलिटी की बात कीजिए तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, दे आर सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन ये दोनों इकट्ठा ना कीजिएगा, इन और ऑर्गेनिक इकट्ठा ना कीजिएगा, उल्ट मतलब बन जाएगा, दे आर सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक ये अमूमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होते हैं। बच्चे जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इनमें याद रखिएगा हमेशा कोवलेंट लिंकेज होती है, दे हैव कोवलेंट लिंकेज, दे हैव कोवलेंट लिंकेज कह लो या कोवलेंट बॉन्ड कह लो, कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इनमें से करंट नहीं गुजर सकता, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर, बैड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते, सही है। ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, ये चंद एक है हमारे पास प्रॉपर्टीज, एक दो तीन चार पाँच बहुत है, याद रखिएगा हर एक चीज़ की मैं हेडिंग बनवा के लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में अगर कोई चीज़ आए तो आपको पता हो कि हाइड्रोकार्बन, ये बीच में सारी सारी इंट्रोडक्शन भी पढ़ रहे हैं, तो ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ते ही नहीं हैं, हर एक इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में सारी सारी चीज़ें निकाल के लिखी हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी क्लासिफिकेशन। भैया अगर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी हुई है ना पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सेम क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ें कुछ आपने खुद लिखनी है। देखो जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं लिखवा दूंगा, इधर एक मिनट देखना। बट जो हाइड्रोकार्बन है ना इसकी क्लासिफिकेशन भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कौन सी है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली है, मतलब इनको भी दो क्लासों में पहले डिवाइड कर रखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी क्लासों में डिवाइड किया था, दो में, एक थे ओपन चेन, एक थे क्लोज चेन, सही, सेम काम है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, लेकिन वहां पे क्या था, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यहां पर क्या आएगा, ओपन चेन हाइड्रो कार्बन, हमने कहा था वहां पर क्या बात कही थी, दोज हाइड्रोकार्बन या दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है which have last carbon atom या in which last carbon atom is free, सही सर लिखी थी डेफिनेशन, सेम कर दीजिए वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे आपने लिख देना हाइड्रोकार्बन, सही है, दो हाइड्रोकार्बन
विच हैव या इन विच लास्ट कार्बन एटम इज फ्री. सही मतलब इस तरह हो, लास्ट कार्बन एटम क्या हो इसका, बिल्कुल फ्री हो, तो इसको आप कहोगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. इसके अलावा हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन थी क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन. बच्चे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो जिसमें लास्ट कार्बन एटम फ्री नहीं होगा, जिसमें क्या हो, लास्ट कार्बन एटम फ्री नहीं होगा. इसमें ये वाली एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन. चार कार्बन है और चार कार्बन वाले के लिए ब्यूटेन वर्ड यूज करते हैं और सारे के सारे एक साइकिल के अंदर मौजूद है, इसलिए वर्ड यूज करेंगे साइक्लोब्यूटेन. क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लोब्यूटेन. एग्जाम्पल डेफिनेशन खुद लिखनी है. अच्छा, ओपन चेन को वहां पे हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा था, मजीद अगर याद हो तो, एक स्ट्रेट चेन थे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. सेम काम आपने यहां पे डेफिनेशन करनी है, दो हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन एटम आर कनेक्टेड इन अ लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. सही है. और इसके अलावा हमारे पास है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन. अब ये कौन से होंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच मौजूद हो. दो हाइड्रोकार्बन विच हैव अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन, एक सीधी चेन के साथ लाइन मौजूद हो या ब्रांच मौजूद है. मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो इसकी एग्जांपल हम ये वाली दे सकते हैं, जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम एक ही सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं. सही है. और अगर ब्रांच चेन की बात की जाए तो आपने कुछ कार्बन एटम एक सीधी लाइन में जोड़ के एक आदि आपने यहाँ ब्रांच बना देनी है. एक आदि आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रांच बना दोगे. मैंने यहाँ ब्रांच बना दी है. देखो ये हमारे पास सारे के सारे कार्बन एटम एक लाइन में जुड़े हुए हैं और साथ में एक मैंने क्या बना दी है, ब्रांच. इसको कहेंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे मजीद क्लासीफाई किया गया, वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. वो हम यहाँ पे लिखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. आगे अगर इसको देखा जाए क्लोज चेन को, बच्चे क्लोज चेन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. एक बच्चा हमारे पास है जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. क्या था हमारे पास, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन. और हमने कहा था जी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग हो, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसको एरोमेटिक कहेंगे. सही है. ये बेंजीन आ गई. इसकी नेक्स्ट एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दो बेंजीन रिंगें बना दो. कितनी बेंजीन रिंगें बना दो. इस कंपाउंड को नेफ्थलीन कहते हैं. क्या कहते हैं, नेफ्थलीन. इसी तरह हमारे पास इसकी सेकेंड टाइप थी एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, मसलन ये वाला कहाँ बड़ा भाई है, साइक्लोब्यूटेन उठा के यहाँ बना दो. सही, वो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है. इनकी डेफिनेशन खुद कीजिएगा. सिर्फ क्या करना है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे वर्ड चेंज करना है हाइड्रोकार्बन. और याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, ये दो बीच में नहीं है, बाकी सारी हैं. अब हेट्रोसाइक्लिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन होगा या फिर क्या होगा, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आएगा. जब हेटरो होगा हमने कहा था कार्बन रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई एटम आ रहा होता है, हमने तो कह दिया कि या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, कोई तीसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा. इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोकार्बन का. क्या नाम दे रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन का. चलिए जी, ये बात होगी हमारी. हाइड्रोकार्बन को दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, ओपन चेन क्लोज चेन, ओपन चेन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन क्लोज चेन, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक है. अब ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे, ये आज के दिन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि आया हो, लेकिन एग्जामिनर कभी भी दिल कर सकता है. और वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या फर्क है, डिफरेंस
between saturated and unsaturated unsaturated hydrocarbons. Saturated और unsaturated hydrocarbons में क्या फर्क है? ये पास पेपर में आ चुका है और हम यहाँ ना फर्क की फॉर्म में लिखेंगे, आपके ऊपर नीचे करके दिए मैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों को एक दूसरे के सामने लिख के इनके दोनों दरमियान में फ़र्क देखेंगे कि बेसिकली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते कौन से। एक साइड पर हम लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक साइड पर आएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई मैं अगर सिंपल बात कहूँ, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड हो सिंगल, क्या हो? कार्बन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड हो सैचुरेटेड है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड आ जाए डबल या ट्रिपल तो मतलब जैसे सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड है, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड है। और आपको देख के बताना आना चाहिए, मसलन मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक एग्जांपल है, आपने मुझे देख के बताना, बाद में हम डेफिनेशन लिखते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल है, आप बताएंगे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये वाला कंपाउंड ये अनसैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अगर मैं ये वाला कंपाउंड पूछूँ तो अनसैचुरेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। डेफिनेशन हम बाद में लिख लेते हैं जो बुक में है, और कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड है, सही है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, करें दोज हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच जिसमें द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम की वैलेंसी इज फुल्ली सैटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम की जो वैलेंसी है ना, ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही सेटिस्फाई हो विद सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोकार्बन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुली सेटिस्फाइड विद सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे? दो हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके डेफिनेशन अगर देखी जाए तो दोज हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड between carbon atoms इज कॉल्ड ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम के दरमियान में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। इसको हम नाम दे रहे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाऊँ बच्चे, मैं देखो अल्केन वो है जिनमें सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन और अल्काइन वो है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सही। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन, अल्केन जो है ना ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन्स। और अल्केन्स क्या है? अल्केन्स स्पेलिंग खसूसन याद रखिएगा, इसमें ए एन ई है और इसमें ई एन ई, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, ओहो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सही है, बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद ना आपने चैप्टर नंबर प्रीवियस में अल्केन अल्कीन अल्काइन के जनरल फार्मूले भी पढ़े हुए हैं। अगर आप जनरल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है और उनका जनरल फार्मूला CnH2n और CnH2n-2 हो सकता है, नहीं तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। लास्ट चीज हम लिखेंगे इनकी एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल बनाना बड़ा आसान है। इधर देखो, इधर देखना, कार्बन कार्बन एटम के दरमियान बनाओ सिंगल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन पूरे करने आते हैं आपको। एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने आपने। और ये कंपाउंड मेरे पास इथेन, और कार्बन के दरमियान में ये वाला भी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है और इस कंपाउंड का नाम है, एक कार्बन हो तो इसको कहेंगे मीथेन। क्या कहेंगे? अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देना चाहूँ तो बच्चे आप कार्बन कार्बन के दरमियान पहले दो बॉन्ड बनाओ, फिर कार्बन कार्बन के दरमियान में बाकी हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, चार बॉन्ड पूरे करने हैं आपने। कितने बॉन्ड पूरे करने हैं? चार बॉन्ड। ले लीजिए, मैंने चार बॉन्ड मुकम्मल कर दिए। बच्चे इस कंपाउंड का नाम है इथीन, ई एन ई खसूसन याद रखिएगा, और इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन, वाई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आएगा उसके लास्ट में हमेशा वाई एन ई इस्तेमाल किया जाएगा, डबल बॉन्ड जब भी आएगा उसके लास्ट में ई एन ई, और सिंगल बॉन्ड जब भी आएगा उसके लास्ट में ए एन ई। सही है, अगर ये किसी साइड पे आप करना चाहते हो तो लिख लो। बच्चे ए एन ई हमेशा वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होगा सिंगल, ई एन ई आप हमेशा वहां पे इस्तेमाल करोगे जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होगा डबल, वाई एन ई आप वहां पे इस्तेमाल करोगे जहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में होगा बॉन्ड ट्रिपल। भैया सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। सही है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, क्लासेस, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में एक चीज़ हमने पढ़ी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीज़ है बच्चे, आगे जाके यूज़ भी होनी है। आपके जहन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, सैचुरेटेड कौन से, अनसैचुरेटेड। जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो कौन से होंगे? सैचुरेटेड। जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो कौन से होंगे? अनसैचुरेटेड। बस ये सिंपल सी बात आपने जहन में बिठा लीजिएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।